नमस्कार, न्यूज हिंदी टीवी चैनल में आपका स्वागत है। जब्त तो होगी संपत्ति, लगेगा गैंगस्टर एक्ट। यूपीटीईटी पेपर लीक मामले में सीएम योगी ने सख्त एक्शन के आदेश दिए हैं। यूपीटीईटी पेपर लीक मामले में योगी सरकार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक ट्वीट कर यूपीटीईटी के अभ्यर्थियों को भरोसा दिया है, सरकार उन्हें फिर आयोजित होने वाले परीक्षा के लिए सुविधाएं देगी और दोषियों को के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। बता दें कि इस मामले में अब तक प्रयागराज के 3 थाना क्षेत्रों जॉर्ज टाउन, झांसी और नैनी से सॉल्वर गैंग के सरगना समेत 16 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि लखनऊ से 4, शामली से 3, अयोध्या से 2, कौशाम्बी से 1 आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है। फिलहाल एसटीएफ इस मामले की जांच में जुटी है। यूपीटीईटी पेपर लीक मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपीटीईटी के अभ्यर्थियों के साथ प्रदेश सरकार खड़ी है। 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से पुनः परीक्षा आयोजित होगी, जिससे किसी भी अभ्यर्थियों के कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। इतना ही नहीं, परीक्षा के देने वाले अभ्यर्थियों को आने जाने के लिए यूपी परिवहन निगम के द्वारा निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी दी जाएगी। उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा, हमारे नौजवान भाइयों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आप सबको हुई असुविधा के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा जरूर मिलेगी। आपकी सरकार सुनिश्चितता पूर्वक और पारदर्शी तरीके से परीक्षा संपन्न करने के लिए कृति संकल्पित है।